हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन होने के क्या क्या कारण होते हैं, माइग्रेन होने से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं, माइग्रेन में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए यानी यदि हमें माइग्रेन हो जाए तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि माइग्रेन बीमारी को दूर करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा, पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर माइग्रेन की बीमारी क्या होती है। माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सिर के आधे हिस्से में यानी कभी लेफ्ट साइड में या फिर कभी राइट साइड में रुक रुक कर तेज दर्द होता है। फ्रेंड्स, असल में हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नामक केमिकल पाया जाता है जो कि हमारे मूड, इमोशंस और भावनाओं की वजह से प्रभावित होता है। जब सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें खुशी महसूस होती है और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो इसकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस, सरदर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं और धीरे धीरे इससे माइग्रेन की समस्या हो जाती है। शॉर्ट में कहें तो सेरोटोनिन में असंतुलन की वजह से माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन के समय हमारे दिमाग में रक्त का संचार तेजी से बढ़ जाता है जिसकी वजह से तेज सिरदर्द होने लगता है। और दोस्तों, सिरदर्द और माइग्रेन में काफी अंतर होता है। जी हाँ, सिरदर्द का एक गंभीर रूप जो बार बार लगातार होता है उसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन का दर्द 2 घंटों से 3 दिन तक रह सकता है। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसके कारण कोई भी काम करना असंभव हो जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। और दोस्तों, यह देखा गया है कि माइग्रेन की समस्या मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा नजर आती है। आइए अब हम बात करेंगे माइग्रेन होने के क्या क्या मुख्य कारण है, आखिर क्यों होता है माइग्रेन। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव है उन्हें माइग्रेन की समस्या हो जाती है क्योंकि तनाव का हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अत्यधिक तनाव लेना माइग्रेन का मुख्य कारण है। एलोपैथिक की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा के कारण माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, इस कारण से भी माइग्रेन हो सकता है। हार्मोन्स में बदलाव की वजह से कई महिलाओं को माइग्रेन की समस्या हो सकती है। जी हाँ, महिलाओं में हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, खासकर जब पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान यह समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में महिलाओं को माइग्रेन का अटैक आ सकता है। दोस्तों, माइग्रेन वंशानुगत कारण से भी होता है। जी हाँ, यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या हो तो यह भी माइग्रेन का मुख्य कारण है। अधिक कैफीन का सेवन करने से माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप दिन भर में चाय या कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इस कारण से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को ज्यादा तेज धूप में जाने के कारण भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। इसका एक और मुख्य कारण है बहुत ज्यादा थकावट। जी हाँ, कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो इस वजह से भी हो सकती है, या बहुत ज्यादा एक्सर्शन की वजह से भी सिरदर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि नींद पूरी न हो या फिर जरूरत से ज्यादा नींद के कारण भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को हमेशा ही पेट की समस्या होती है, जैसे एसिडिटी रहना। जी हाँ, एसिडिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा अपनी डेली डाइट में ज्यादा मसालेदार भोजन करना, ये भी माइग्रेन का मुख्य कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप हेल्दी फूड का सेवन नहीं करते तो इस वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया कि किन कारणों से माइग्रेन की बीमारी होती है। आइए अब हम जानेंगे कि माइग्रेन होने के क्या लक्षण हैं, यानी यदि माइग्रेन हो जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। माइग्रेन का मुख्य लक्षण होता है बहुत तेज सिरदर्द होना। जी हाँ, अगर सिर के एक हिस्से में रुक रुक कर बार बार दर्द होता हो तो यह माइग्रेन का लक्षण होता है। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई सिर में जोर जोरदार हथौड़े मार रहा हो। और दोस्तों, माइग्रेन की पहचान ऑरा से भी की जाती है। ऑरा दृष्टि संबंधी ऐसे लक्षण है जिसमें पेशेंट को रह
लेकर आड़ी टेढ़ी रेखाएं, रोशनी की चमकदार लकीरें और आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं। और यदि आपको फोटोफोबिया यानी रोशनी से परेशानी होती हो या फिर फोनोफोबिया यानी थोड़े भी शोर से मुश्किल होता हो तो ये दर्शाता है कि आपको माइग्रेन की समस्या शुरू हो गई है। यदि आपका लगातार पेट खराब रहता हो और कब्ज की समस्या रहती हो तो यह भी माइग्रेन का लक्षण होता है। इसके अलावा जी घबराना, उल्टी आना, चक्कर आना, पसीना आना, ये भी माइग्रेन के लक्षण हैं। यदि आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हो, आपको हर बात में चिड़चिड़ापन महसूस होता हो यानी छोटी सी बात में जल्दी रिएक्ट करते हो तो ये भी माइग्रेन का लक्षण होता है। दोस्तों, अगर आपको नींद की समस्या हो यानी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती हो पर फिर भी आपको नींद नहीं आती हो तो आप समझ जाएं कि आपको माइग्रेन की समस्या शुरू हो गई है, ये भी इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर आपको दिन भर में बेवजह बार बार उबासी आती हो, बहुत थकान महसूस होती हो तो ये भी इसका लक्षण है। एक और मुख्य लक्षण है माइग्रेन का, भूख ज्यादा लगना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको दिन भर में जल्दी जल्दी यानी थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती हो तो ये दर्शाता है कि आपको माइग्रेन की समस्या शुरू हो गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यदि आपको माइग्रेन की समस्या शुरू हो गई हो तो किन चीजों का सेवन न करें, यानी आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें आप जंक फूड का सेवन न करें, तली हुई चीजें खाने से परहेज करें और चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत समय का रखा हुआ चीज या पनीर न खाएं। इसका कारण यह है कि जितना पनीर रखा हुआ होता है उसमें टायरामाइन एक एमिनो एसिड है जो उत्पन्न होने लगता है, जो कि माइग्रेन की समस्या को और भी बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ज्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना न खाएं तो अच्छा है, क्योंकि स्पाइसी खाना खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है जो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, माइग्रेन की प्रॉब्लम में आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे माइग्रेन की समस्या और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा कैफीन का सेवन न करें, जैसे चाय या कॉफी न पिए तो अच्छा है। इसके साथ साथ अधिक आयोडीन युक्त आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी माइग्रेन की बीमारी को दूर कैसे करें, यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। रोजाना अदरक के पानी का सेवन करें। फ्रेंड्स, अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं जो कि माइग्रेन के लक्षणों से लड़ने में मददगार होते हैं। इसके अलावा अदरक एक ऐसा पारंपरिक घरेलू उपचार है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर माइग्रेन के पेशेंट्स की उल्टी की समस्या को भी ठीक कर देता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप एक बर्तन में 1.5 कप पानी लें, उसमें आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें। अब आप पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी लगभग 1 कप जितना हो जाए तो इसे छानकर चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। साबुत धनिये के पानी का नियमित रूप से सेवन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरे धनिया के बीज का पानी माइग्रेन पेशेंट के लिए अमृत समान होता है। तो आइए बताते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप 2 चम्मच धनिया के बीज लें और इसे 1 ग्लास पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह इसे पानी समेत 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबालें। जब पानी लगभग 1/2 ग्लास हो जाए तब इसे छानकर चाय की तरह आराम से पिएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ रोजाना भीगे बादाम और अखरोट का सेवन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेमेडी में आपको लेना है 5 गिरी बादाम की और 1/2 गिरी अखरोट की। अब इसे रात को कांच के ग्लास में या फिर मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। फिर सुबह आप भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट का छिलका उतार दें। अब आप इसे अच्छी तरह से कूट लें, यानी आपको इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है और फिर आप इसमें ठंडा या फिर नॉर्मल दूध डाल दें। लगभग 1 कप दूध आपको डालना है और फिर इस तैयार मिश्रण का सेवन करें। दोस्तों, यदि इस उपचार का आप 10 से 15 दिन भी लगातार सेवन करते हैं तो आपको इसका खूब बेनिफिट होगा। पर एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप इस रेमेडी को सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा नियमित रूप से दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पाउडर का सेवन करें। तो दोस्तों, इस रेमेडी के लिए आपको लेना है 25-25 ग्राम दालचीनी,
अदरक, काली मिर्च और तुलसी और फिर इसका पाउडर बना लें, यानी अच्छी तरह से इसे पीस लें और फिर इन सभी पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इस मिश्रण को रोजाना एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। ये माइग्रेन की समस्या के लिए एक रामबाण इलाज है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको घरेलू उपचार बताए हैं जिसकी मदद से आप माइग्रेन की बीमारी को दूर कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी देना चाहती हूँ जिसे आप नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आप माइग्रेन से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली टिप है, इसके लिए आप दिन भर में भरपूर पानी पिएं। इसके अलावा सूर्य की तेज किरणों से अपने आप को बचाएं, यानी तेज धूप में न जाएं तो अच्छा है। दोस्तों, पुदीना सिर के तनाव को कम करने में सबसे अच्छी औषधि माना जाता है, तो इसके लिए पुदीने के तेल की सिर में मसाज करें। ध्यान रहे तेल सिर में ज्यादा मात्रा में न लगाएं, नहीं तो इससे जलन भी महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। जितना हो सके पौष्टिक आहार खाएं। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाने में मदद दिलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप है प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रोजाना अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको माइग्रेन से जल्द ही राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आप गाय के शुद्ध घी को पिघलाकर इसकी एक एक बूंद ड्रॉपर की मदद से नाक में डालें, या फिर आप चाहें तो बादाम रोगन तेल की एक एक बूंद नाक में डाल सकते हैं। ध्यान रहे बादाम का तेल सिर में लगाने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोस के साथ।